अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज जो हमें टॉपिक दिया गया है वो ये लॉस और लॉस परसेंटेज। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि लॉस या लॉस परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि जो लॉस होता है उसका फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम जो है लिखते हैं, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। दोस्तों, जैसे कि आपने जो है एक चीज़ 100 की ख़रीदी और आपने 80 में बेच दी, तो इसका मतलब है जो आपको 20 है वो क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे ये तो आपके पास हो गया लॉस। अभी आप इस लॉस की परसेंटेज को कैसे फाइंड करेंगे? तो आप लॉस की जो परसेंटेज है उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है कि आप नीचे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, ऊपर लॉस लिखते हैं और मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आपके पास लॉस होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है और जो कॉस्ट प्राइस है वो तकरीबन 100 दी हुई है और आपने मल्टीप्लाई इसको करना है 100 से। तो आप जब करेंगे तो ये तकरीबन 20% जो है आपके पास आ जाएगा, ये आपकी लॉस परसेंटेज है। तो दोस्तों, ये वो तरीका है कि हम किस तरह से लॉस परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, जो लॉस होता है बेसिकली ये लॉस होता क्या है? लॉस ये होता है जब आप कोई चीज़ जो है महंगी ख़रीदें और आप उसको सस्ती बेच दें और फिर आप ये अंदाज़ा लगाना चाहें कि आपको कितना जो है लॉस हुआ है। तो आप ये काम करेंगे कि लॉस में से, मतलब कि कॉस्ट प्राइस में से आप अपनी सेल प्राइस जो है वो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा। और उसकी लॉस परसेंटेज को निकालने का तरीका जो है, आइए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।